और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी के 5 आईएएस 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। बड़ी खबर उस वक्त की लखनऊ से, जहां यूपी के आईएएस रिटायर हो रहे हैं। आलोक सिन्हा, मुकुल सिंगल, प्रभात कुमार रिटायर होंगे। एमवीएस रमन रेड्डी, शमीम अहमद खान भी रिटायर होंगे और 30 अप्रैल को एक साथ सेना सेवानिवृत्त होंगे आईएएस अधिकारी। यूपी के 5 आईएएस 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे। आलोक सिन्हा, मुकुल सिंगल, प्रभात कुमार रिटायर होंगे। एमवीएस रमन रेड्डी, शमीम अहमद, और 30 अप्रैल को एक साथ सेवानिवृत्त होंगे 5 आईएएस 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक के बख्श जी जुड़ चुके हैं। के बख्श जी, 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं 5 आईएएस अधिकारी। 30 अप्रैल को 5 ऐसे अधिकारी हैं जिनके रिटायर होने के बाद उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में जी बहुत बड़ा परिवर्तन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 5 जो अधिकारी, वैसे तो 30 अधिकारी कुल उत्तर प्रदेश भर में रिटायर होंगे, 30 आईएएस अधिकारी रिटायर होंगे जी। लेकिन जो 5 अधिकारी उनका नाम मैं ले रहा हूँ, एमबीएस रामा रेड्डी, ये अपर मुख्य सचिव स्तर के आदमी है, और मिस्टर सिन्हा जो इस समय कृषि उत्पादन आयुक्त है जी, और तीसरे हैं जो मुकुल सिंगल राव है, ये जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन है जी, और शमीम अहमद साहब, प्रभात कुमार सारंगी है, ये भारत सरकार में जो है रीजन कमिश्नर है। ये 5 पद ऐसे हैं जिनके रिटायर होने से कम इतने ही अधिकारियों के ट्रांसफर होने सुनिश्चित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इतने अधिकारी ट्रांसफर किए ही जाएंगे। इसके अलावा 30 अप्रैल को और अन्य करीब 30 अधिकारी और रिटायर हो रहे हैं जो जिले के जिला अधिकारी हैं और अधिकारी हैं, तो इससे ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा उथल पुथल होने की संभावना जी। बख्शी, जैसा कि आपने बोला उठक पटक होने की संभावना है, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, आपसे जानना चाह रहे कौन कौन से परिवर्तन वो हो सकते हैं। बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमारे आलोक सिन्हा साहब रिटायर होंगे, ये एपीसी है उत्तर प्रदेश के, उसके बाद एक पद होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन, उसमें किसी सीनियर आईएएस चीफ सेक्रेटरी के समकक्ष पद होता है, और जो आलोक सिन्हा साहब वाला पद है भी चीफ सेक्रेटरी के समकक्ष होता है जी। जो रेजिडेंट कमिश्नर है ये भी बहुत बड़ा पद होता है, इसमें प्रमुख सचिव स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी जाते हैं। तो ये 2 पद ऐसे हैं जिसमें जिनको भरने के लिए काफी अधिकारियों को इधर से उधर है। उसके बाद जिले के कई जिला अधिकारी भी आज किसी दिन 30 तारीख को रिटायर होंगे, तो 31 में से करीब 1 दर्जन से अधिक जिला अधिकारियों का भी इधर होने की संभावना है। अच्छा जी बख्शी, अब देखना ये होगा कि कौन इनके रोल निभाता है। तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 30 अप्रैल को एक साथ सेवानिवृत्त होंगे 5 आईएएस। बड़े बदलाव हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है।